तो चलिए यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबाद का रेड चिकन सिग्नेचर। इस लिया है आधा किलो से ज़्यादा चिकन है ये। और यहाँ पर मैंने दो टमाटर, सात काजू बारीक काट कर ले लिया है, और दो हरी मिर्च और आधी कटोरी प्याज। हमें ये सब चीज़ें पीस लेनी है, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, प्याज, काजू, टमाटर ये सब एक साथ पीस लिया है। अगर आप चाहे आपकी चिकन अगर ज़्यादा है, आप चिकन ज़्यादा ले रहे हो और तो सब क्वांटिटी भी बढ़ जाएंगी, अलग से कर सकते हो, और हरी मिर्च का पेस्ट भी अलग से कर सकते हो। और जितनी भी मैंने सामान लिया था, सामग्री ली है, आप सबका अलग अलग पेस्ट बनाकर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन का ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने सब एक साथ पीस लिया है इसे। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर मैंने एक चम्मच, ये चम्मच से मैंने एक चम्मच विनेगर लिया है, वाइट विनेगर, तीन चम्मच दही, दो चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, दो चम्मच रेड चिल्ली सॉस, और दो चम्मच डालेंगे टमाटो सॉस, और एक चम्मच फूल भरकर डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। और यहाँ पर हमारा पिसा हुआ मसाला, जो प्याज, हरी मिर्च, काजू और टमाटर है, चारों आइटम मैंने एक साथ पीस लिए हैं। और यहाँ पर मैं डालूंगी फूड कलर, जो ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। एक चम्मच नमक ऐड करेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर एक कस्तूरी मेथी ऐड करूंगी मैं। मैंने इसे भूनकर और क्रश कर लिया था। इसी के साथ मैं आधा चम्मच इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर, तीन से चार बूंद रोज एसेंस के। रोज एसेंस से कलर भी आ जाता है और खुशबू भी अच्छे से आती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, या इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मैरिनेट के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर आधा घंटा हो गया है और मैंने एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने चार बड़े चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए या इसे स्किप भी कर सकते हो। पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लगता भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैंने, ये देखिए, ये हो गया है हमारा चिकन मैरिनेट। अब इसमें हम पूरा चिकन ऐड कर देंगे तेल में। ये हैदराबाद का फेमस डिश है रेड चिकन। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्ची के टुकड़े कर लिए हैं, ये भी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐड कीजिए, ऐसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब इसमें मैं आधा कप इतना पानी ऐड करूंगी,
वही पानी ऐड किया है जिसमें मैंने मसाला पिसा था, वही पानी ऐड किया है। तो चलिए यहाँ पर ये पक रहा है, अब इसमें मैं मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। मैंने एक चम्मच फूल भरकर ऐड किया है और आधा चम्मच हल्दी। अब इसे अच्छे से हिला लेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना भूलिए, लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।